पद्मवाणी शीर्षक के अधीन चल रहे हैं। पद्मवाणी शीर्षक के तहत आज हम सुरदास जी के द्वारा रचित कुछ पद के संबंध में चर्चा करेंगे। पहले हम सुरदास के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं कि महाकवि सुरदास हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में माने जाते हैं, वात्सल्य रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित सिही नामक एक गांव में हुआ है। ना गरीब ब्राह्मण परिवार में, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। और ये भी कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि जन्म के पश्चात इनकी आँख की रोशनी चली गई। तो इस प्रकार उनके अंधत्व के बारे में, इनके दृष्टिशक्ति चले जाने के बारे में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। उनका साहित्य हम जो पाते हैं, जब हम जो हम चर्चा के बारे चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं, उनका साहित्य गहरे जीवनानुभूति का परिचय देता है। जीवन का अनुभव, जीवन में हम आध्यात्मिक अनुभव जब तक नहीं कर सकते, तब तक हम वास्तव भक्ति भावना में ओतप्रोत नहीं हो पाते। विद्या अध्ययन के बाद सुरदास जी ने संसार विरागी होकर गौघाट में रहने लगे। विद्या अध्ययन के भजन गाते थे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे, भजन कीर्तन में उन्होंने मन लगाया, रुचि ली। और वहीं पर उनका वल्लभाचार्य से भेंट हुई। वल्लभाचार्य के उन्होंने शिष्य बने। वल्लभाचार्य ने उन्हें भजन कीर्तन करने के लिए उन्हें उपदेश दिया। भजन कीर्तन में वो मनोनिवेश करने लगे। कलियुग में कीर्तन ही श्रेष्ठ माध्यम है। मन की तल्लीनता, भगवान के प्रति अपने आप को मैंने न्योछावर करना, वह भगवान के प्रति अपने आस्था को गहरा करना, वह भगवान के प्रति अत्यंत रुचि, भगवान की गाथा श्रवण कीर्तन आदि सब करने में ही वास्तव शांति मिलती है। तो इस प्रकार उन्होंने जब देखा कि कीर्तन में कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, तो उन्होंने वहाँ पर कीर्तन सेवा में अपना सारा का सारा मन लगा दिया। आचार्य ने, वल्लभाचार्य ने सुरदास को अपने आराध्य बालकृष्ण श्रीनाथ जी के कीर्तन सेवा में उन्होंने लगाया। तो वहीं पर उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके कृष्ण लीला में पूरी तरह से ओतप्रोत हो गए। और इस प्रकार उन्होंने सूर सागर जैसे एक बहुमूल्य ग्रंथ उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दिया। सुरदास वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है। बच्चे के सभी मनोभावों का चित्र उन पदों में मिलते हैं। कृष्ण के लोक रंजनकारी लीलाओं के वर्णन में वे पूरी तरह से रम गए। राधा कृष्ण के प्रेम वर्णन भी उन्होंने किया। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, शरणागति और संपूर्ण भरोसा रखते थे। श्रृंगार के संयोग और वियोग पदों का वर्णन, गोपी उद्धव संवाद, सगुण भक्ति का सबल प्रतिपादन आदि में सूर की काव्यकला निखर उठती है। काव्य शैली में गुप्त सूचना और संकेतों के बाद कहने की शैली की शुरुआत उन्होंने की है। तो इस प्रकार आज हम जो अध्ययन करने के बाद पढ़ाई करने के लिए हम लोग बैठे हैं, सुरदास के द्वारा रचित दो पदों की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। पहले पद में बलभद्र की शिकायत किस प्रकार करते हैं, माता यशोदा के सम्मुख मैंने बालकृष्ण भैया माँ दाऊ भैया के बारे में जो शिकायत करते हैं माता यशोदा के पास जाकर, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। पहले हम शस्त्र वाचन कर देते हैं। मैया मोही
दाऊ बाहू तू किधायो मेरा मोनी, दाऊ बाहू तू किधायो मोसो कहत माला कोलिन हो, तू यसुमती कब जायो मेरा मोनी, दाऊ बाहू तू किधायो के मारे खेलन हो नहीं जाता, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम रोता मेरा मोही, दाऊ बाहू तू की जायो। तो इस प्रकार माता यशोदा के पास जाकर बाल कृष्ण अपनी शिकायत करते हैं, यही कि दाऊ भैया मुझे बहुत खिझाते हैं, चिढ़ाते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, सब ग्वाल बालक और दाऊ भैया सब मिलकर ये मेरी कमजोरी का ये लोग खिल्ली उड़ाते हैं, और ये भी मुझे कहते हैं कि तुम्हें माता यशोदा ने खरीद कर लाई है, मोसो कहत मोल को लिन्हो, तुम्हें मोल कर लाया गया है, मूल्य दे कर लाया गया है, माता यशोदा माँ यशोमती क्या तुमने मुझे मोल कर लाई है। वहाँ कहे यही रीस के मारे, रीस मैंने गुस्सा प्रकट करते हुए खेलने के लिए नहीं जाते, वही दुख है उनके मन में, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ और तुमने मुझे खरीद कर लाई हो और इसी का मुझे दुख है, और मैं उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दाऊ भैया उनके साथ है और वो सबको बतिया देते हैं, बता देते हैं, और उनके कहने पर उन्हीं के बतलाने पर सभी ग्वाल बालक उस पर खिल्ली उड़ाते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं, और ये भी कहते हैं पुनी पुनी कहा तो कौन है माता, कौन है तुमरो तात, और ये भी कहते हैं तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जन्मे हैं और कहाँ आ गए हैं, ये सब मुझे पूछते हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि गोरे नंदा यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत बाल सब सीखे देते बलबीर, मैया मोही दाऊ बाहू तू की जायो। तो ये भी और कहते हैं, बार बार कहते हैं कि नंदा गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू क्यों सांवला है, तेरा रंग क्यों सांवला है, ये भी मुझे पूछते हैं, और ये चुटकियाँ बजा बजा कर बाल बाल सब हंसते हैं, और उनको ये दाऊ भैया बलभद्र जी उनको यही सब सिखा देते हैं मुझ पर खिल्ली उड़ाने के लिए, मुझे खिजाने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए, यही सब वो लोग करते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कब हूँ नीझे, मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे, मैया मोही दाऊ बाहू तू की जायो। तुमने मुझे ही मारना सिखा है और दाऊ भैया पर कुछ नहीं कहती, दाऊ ही कबहू न खींचे, दाऊ पर कभी नहीं अप्रसन्नता प्रकट करती, उन पर कभी नहीं खींचती, मोहन मुख पर रीस की ये बातें सुनकर मैंने उनकी रीस भरी वाणी, उनकी दुख भरी वाणी और क्रोध भरी वाणी ये सब सुनकर यशोमती रीझ जाती है, प्रसन्नता प्रकट करती है, रीझना मतलब प्रसन्नता, और खींचना होती चिढ़ना या अप्रसन्नता,
रिझना र विलोम शब्द है खिझना। सुनहु कान्ह बलभद्र जवाई जनम तहि को धूत सूर श्याम मोहि गोधन किसौ को माता तू पूत मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। सुनहु कान्ह बलभद्र जवाई, कान्ह सुन, बलभद्र एक चुगल खोर है, बलभद्र का काम है चुगली करना, दूसरों की बुराई निकालना, दूसरों की कमजोरियों को प्रकट करना, ये एक चुगल खोर है, ये एक धूर्त है। जन्मत ही को धूर्त, जन्म से ही ये बहुत धूर्त है, बहुत चालाक है और बहुत चुगल खोर है, तुम उसकी बात पर मत आओ। सूर श्याम मोहि गोधन की सौगंध, सूर कहते हैं हे श्याम मैं गोधन की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं गोधन का शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं माता हूँ और तुम मेरा पुत्र हो, इसके सिवाय और इस बीच कुछ नहीं है। तो इस प्रकार ये पहले पद में बलभद्र जी की शिकायत पर ये वर्णन की गई है, और उसके बाद जो दूसरा पद इसमें दी गई है तो ये है बालकृष्ण के आंगन का वर्णन। हाँ, बालकृष्ण जहाँ पर खेला लीला करते हैं, बाबा नंद का जो आंगन है, तो उसी आंगन का वर्णन हम दूसरे पद में देखेंगे। वो इस प्रकार है, हरी अपने आंगन का चुगावत, हरी अपने आंगन का चुगावत, तनक तनक चरण नाचत मनहि मनहि रिझावत, हरि अपने आंगन का चुगावत, बाहु चाई काजरी धौरी गेयनि टेरी बुलावत, कबहु कबावा पुकारत कबहु का घर में आवत, हरी अपने आंगन का चुगावत, हरी अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं, मन ही मन कुछ गा रहे हैं। भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में अपने बाबा नंद के आंगन में मन ही मन कुछ गा रहे हैं, जिसका वर्णन सूरदास ने अपनी दूसरे पद में इसकी चर्चा की है। तनक तनक चरणन सौ नाचत, तनक तनक बहुत छोटा छोटे छोटे पैर है उनकी, तो इस छोटे छोटे पैर में ये नाचते हैं, मन ही मन रिझावत, रिझावत मतलब मैंने प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, मन ही मन खुश हो रहे हैं, क्योंकि खुश ना होने पर ये नाचना गाना ये सब नहीं होता, तो ये मन ही मन खुश होकर ये छोटे छोटे पैर में नाचते हैं और गाते हैं। बाह ऊंचाई काजरी धौरी गेयनी टेरी बुलावत, गायों को हाथ के इशारे पर बुलाते हैं अपने पास। काजरी धौरी, काजरी मतलब काले और धौरी मतलब मैंने शुभ्र, काले और गोरे रंग के जो गाय होते हैं उनको उन्होंने हाथ के इशारे पर अपने पास बुलाते हैं। बहू का बाबा नंद पुकार, कभी कभी बाबा नंद को पुकारते हैं, कभी कभी बाबा नंद को बुलाते हैं, और बहू का घर में आवत, कभी अपने घर के अंदर भी आ जाते हैं। माखन तनक अपने कर ले तनक बदन में नावत, कबहू चित प्रतिबिंब खम्ब में लौनी दिए खवावत, हरी अपने आंगन का चुगावत। तो ये बीच बीच में क्या करते हैं, ये उनकी एक एक शरारत बीच बीच में देखने को मिलता है कि ये तनिक माखन अपने हाथ में लेकर
हाँ, तना को बदन में नावत, अपने थोड़ा सा उसके उससे उसको अपने बदन में शरीर में इधर उधर ना लेते हैं और उनके मन में पता नहीं क्या आ जाता है। कबहु चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में, हाँ, उनके चित्त में उनके मन में पता नहीं क्या आ जाता, उन्होंने लेकर अपनी परछाई को लेकर लौनी खिलाते हैं, हाँ, लौनी उसमें लगा लेते हैं। उसने प्रतिबिंब रूप का खम्भ जो बना हुआ है, वहाँ जो प्रतिबिंब रूप खम्भ जो बन गया है, उस प्रतिबिंब रूप खम्भ में लेकर लौनी खिलाते हैं। तो यही सब लीला है। और दूरी देखती जो सुमती यह लीला परस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित ये नीति देखत मन भावत, हरी अपने आंगन कछु गावत। दूरी देखत, दूर से देखकर माता जसोवती या कृष्ण की ये बाल लीला देखकर उनकी हर्ष और आनंद ये कई गुना बढ़ जाता है, बहुत खुश होकर प्रकट करती है वो, हाँ। और वो क्या करते हैं, सूर श्याम के बाल चरित ये, हाँ, सूरदास जी ने श्याम के इस बाल चरित को इस प्रकार बनाया, इस प्रकार वर्णना की है, जिसको देखने से मन में खूब आनंद उत्पन्न होता है। मन भावन माने मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, ये मन के लिए एक बहुत खुशियाँ पैदा करने वाली चीज़ होती है, और जिसको बार बार देखने के लिए मन करता है, जिसको देखकर हम प्रसन्न होते हैं, अपने अंदर में आनंद का महसूस करते हैं, रोज रोज देखने पर भी बहुत प्यारी लगती है, इससे मन तृप्त नहीं होता, जितना भी हम देखेंगे उतना और देखने के लिए मन करता है। तो इस प्रकार आज ये जो बाल लीला का जो शीर्षक जो है वो दो पदों में ये खत्म हो रहा है। उसके बाद हम फिर अनमोल वाणी का जो दूसरा तीसरा शीर्षक है तुलसीदास का, उसके बाद वाला पीरियड में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।